कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यखनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले यखनी की आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ। 1.5 किलो गोश्त है हमारे पास, जिसमें हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी है। इस तरह से बनाने में पुलाव बहुत अच्छी बने। 2 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ा सा ये 2-3 तेज़पात के पत्ते हैंगे मेरे पास। 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है, 4-5 लौंगे, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक लहसुन है, ये लहसुन है, 2-3 मेरे पास प्याज हैं और ये 2 टुकड़े अदरक के हैंगे। 2 लीटर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। नमक जो है आप अपने हिसाब से डालें, यखनी में इसलिए कम डाल रही हूँ कि फिर हमें चावलों में भी डालना है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। रहीम कुकर में पकाएंगे ताकि जल्दी से गोश्त गल जाए। सारे मसाले डाल देंगे, प्याज अदरक और लहसुन इसी तरह डाल देना है। ये अदरक लहसुन मैंने जायफल जावित्री डाल के फिर पीसा है। मैं जब भी अदरक लहसुन पीसती हूँ उसमें जायफल जावित्री ज़रूर डालती हूँ, खानों में खुशबू आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी, ये 2 लीटर पानी हो गया, क्योंकि हमें यखनी चाहिए, गोश्त भी गलाना हैगा और यखनी भी। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ आएगा, और तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं कि गोश्त गला है या नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद। ये देखें यखनी हमारी तैयार हो गई, गोश्त देख लेते हैं गल गया। ये देखें गोश्त हमारा गल गया है, ये देखें अच्छी तरह गोश्त गल गया है। अब हम चावल पकाते हैं। ये देखें यखनी हमारी तैयार हो गई और मैंने गोश्त अलग कर लिया है, यखनी को अलग कराएगा। हमने 2 लीटर पानी लिया था, ये देखें 1 लीटर ये रहा और थोड़ा सा ये और है यखनी। तेल की ज़रूरत पड़ेगी, 1 कप तेल हमें चाहिए। ये 1 किलो चावल मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगो दिए थे, बासमती चावल लिए थे मैंने। 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 7-8 हरी मिर्चें, 1 पाव दही, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, 1 इलायची, 4-5 दाने लौंग के, दालचीनी। चलें फिर शुरू करते हैं हम लोग बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने फ्राई करना है। ये देखें गोल्डन हो रहे हैं हमारे प्याज, गोल्डन हो गए प्याज। अब हमने ये गरम मसाला डाल देना है। अदरक लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, और ये जो मैंने यखनी में डाला था लहसुन, ये देखें मैंने साबुत निकाल लिया था, इसको हम इस तरीके से निचोड़ देंगे। और हम ये नमक डाल देंगे। अभी हमने ये 1 टेबलस्पून डाला नमक, फिर नमक हम देख के बाद में डालेंगे, क्योंकि यखनी में भी मैंने नमक डाला था, इसे अच्छी तरह हमने भूनना है। ये देखें यखनी अभी हमारी भुनाई पे ही है, तो हम लोगों ने दही डाल देना है इस टाइम, और तो और भुनाई करनी है हमने अपने गोश्त की। ये देखें दही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब हमने इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकाना है। अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, अब हम इसमें चावल डालते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी मैंने निकाल लिया था, सारे चावल अच्छी तरह साफ करके डाल। ये देखें, अब हम इसमें यखनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 लीटर है का। ये देखें, ये 1/2 लीटर है का। अभी मैं इसमें और पानी मिलाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, ये 2 लीटर हो गया, काफी है पानी इसमें। बस इस पॉइंट पे हम लोगों ने नमक चखना है का। ये देखें, नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है का, मैं और डालूंगी। थोड़ा सा खिलता हुआ होना चाहिए ताकि चावलों में अच्छा लगे। 1 टीस्पून नमक और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके और इसे पकने देते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट होगा नमक। ये देखें, 10 मिनट हो गए, चावल माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे पक रहे हैं। और ये देखें कैसे कितना बड़ा चावल हो गया है। खुले बर्तन में पकाते हैं तो चावल भी बहुत अच्छी तरह फूलता है। अभी इसमें चावल में थोड़ी सी कसर है, ये देखें, कोई नहीं टूट रहा ये चावल, अभी कसर है। ये देखें, ये चावल हमारे दम पर आ गए। ये देखें, इस कंडीशन में हम दम पे लगाएंगे चावलों को। और दम पे किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नीचे मैंने एक तवा रख दिया है ताकि नीचे चावल लगे नहीं, और बिल्कुल धीमी आंच पे तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ते हैं। जो हल्की सी कसर है चावलों में वो इसमें पूरी हो जाएगी। अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर ले ताकि ये हो के नीचे लगे ना चावल। ढकने पे हमने कपड़ा लगाना है और फिर हमने इसको इस तरीके से दम पे छोड़ना है। चलिए, ये देखें माशाल्लाह से चावल हमारे तैयार हो गए हैं। ये और ये देखें कैसे खिले खिले चावल पके, एक एक दाना अलग अलग है। वो इसलिए कि बर्तन भी खुला था, खुले बर्तनों में वैसे भी चावल बहुत अच्छे पकते हैं। चलिए मैं आपको डिश कर आउट करके बताती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यखनी पुलाव तैयार है। और माशाल्लाह से देखें, ये देखें चावल एक एक दाना अलग है, कोई जुड़े हुए चावल नहीं बनेंगे। पानी जो मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल परफेक्ट रहा, और देखें हर लिहाज से चावल अच्छे बने, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपके कैसे बने चावल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। शुक्रिया।